बुरे फंसे विराट कोहली, आईसीसी ने सुनाई ये बड़ी सजा, लग सकता है बैन। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का हाल ही में समापन हुआ है, जिसमें दोनों टीमें एक और एक की बराबरी पर रही। इसी बीच सीरीज के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए बुरी खबर आई है और आईसीसी ने उन पर कार्रवाई की है। भारत के कप्तान विराट कोहली को आधिकारिक चेतावनी मिली है और साथ ही अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिम रेड जोड़ा गया है। दरअसल भारतीय पारी के पांचवें ओवर के दौरान ये घटना घटी, जब कोहली एक रन लेते हुए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज व्यूरेन हेड्रिक्स पर जानबूझकर कंधे से भिड़ गए। कोहली के लिए बड़ी समस्या ये है कि सितंबर 2016 में संशोधित आचार संहिता लागू होने के बाद से अब उनके पास 3 डिमेरिट अंक हो गए हैं। यदि कोहली का डिमेरिट पॉइंट्स का मिलान 24 महीने की अवधि में 4 या अधिक तक पहुंच जाता है तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट्स में बदल दिया जाएगा, जिसके परिमाण स्वरूप उन्हें प्रतिबंध कर दिया जाएगा। 4 डिमेरिट पॉइंट्स 2 सस्पेंशन पॉइंट्स के बराबर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1 टेस्ट, 2 वनडे या 2 T20 के लिए खिलाड़ी को प्रतिबंधित किया जाता है, जो भी सबसे पहले आता है। यानी 2020 से अगला डिमेरिट पॉइंट जुड़ते हुए विराट पर 2 वनडे, 2 T20 या 1 T20 का बैन लग जाएगा। कोहली ने अपना जुर्माना कबूल किया और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तापित अंपायर नितिन मेनन और सीके नंदन के साथ तीसरे अंपायर अनिल चौधरी और चौथे अंपायर शमशुद्दीन के आरोप को विराट स्वीकार कर लिया है।